भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने से साथ साथ ससुराल में हमेशा खुशियों से भरा रहता है, वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। तो आइए जानते हैं कि सुहाग की लंबी आयु देने वाली भगवान गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देख के ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम अपना पूरा करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देख कर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। ये सुनकर उसकी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के नीचे गिरे हुए कांटे मेरे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते के कांटों को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान वहां से हट गया। ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही कि थोड़ा रुक जाइए, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रहती, उनका ये नियम है। तब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता आज साफ हो गया है। अब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को उनके स्थान पर रखकर उनको हाथ जोड़कर भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर बिहार सबको देना, और फिर ये बोलकर वह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा इस कलयुग में, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिड़क देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर वह ये सोचने लगी कि ठीक है जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी के 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बेटी रो रही है, भाई की लाश सामने रखी है। तब उसने पत्तियों को बताए अनुसार उन्होंने वैसे ही अपने भाई पे इस्तेमाल किया। तब भाई बैठ गया। भाई बोला, बहन से मुझे आज बहुत गहरी नींद आई थी। तब बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये थी गणेश जी की चमत्कारी कहानी। बोलिए जय गणेश जी महाराज।